शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं स्वाहा। आज हम यहाँ जन्मंगल कवच माँ महाकाली का प्रस्तुत कर रहे हैं। हम नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के परमवीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन के वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी आज अपने स्वर में यहाँ माँ महाकाली का जनमंगल कवच का उच्चारण कर रहे हैं। माँ आप सभी का कल्याण करें, सबकी रक्षा करें, इसी कामना के साथ। क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं हूं हूं दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम हुम हुम स्वाहा। भैरवी उवाच। काली पूजा श्रुतानाथ भावाश्च विविधा प्रभु इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितं त्वमेव स्त्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव च त्वमेव शरणं नाथ त्राहिमां दुख संकटता। काली पूजा श्रुतानाथ भावाश्च विविधा प्रभो इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितं त्वमेव स्त्रष्टा पाता च संहर्ता च त्वमेव च त्वमेव शरणं नाथ त्राहिमां दुख संकटात्। भैरव उवाच। रहस्यं शृणु वक्ष्यामि भैरवी प्राणवल्लभे श्रीजन्मङ्गलं नाम कवचं मन्त्रविग्रहं पठित्वा धारयित्वा च त्रैलोक्यं मोहेच्छणात् पठित्वा धारयित्वा च त्रैलोक्यं मोहेच्छणात् नारायणोऽपि यद्धृत्वा नारी भूत्वा महेश्वरं योगिनं शोभं नयद् यद्रत्वा च रघुत्तमः। वर्त्रप्तो जगानैव रावणादि निशाचरान् यस्य प्रसादादीशो अहं त्रैलोक्य विजयी विभु धनाधिपः कुबेरो अपि सुरेशो अभूच्छचीपतिः
एवं सकला देवा सर्वसिद्धीश्वरा प्रिय श्री जन्मंगलास्यास्य कवचस्य ऋषि शिव। भैरवी ने कहा, हे स्वामी, मैंने अनेक भावयुक्त काली पूजन आपके मुखारविंद से श्रवण किया। आपने जो पहले कहा था कि मैं तुमको काली कवच सुनाऊंगा, इसलिए हे स्वामी, वह काली कवच मैं इस समय श्रवण करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही संगार के निर्माणकर्ता, रक्षक और विनाशकर्ता हैं, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूँ। अतः इस घनघोर दुख संकट से मेरी रक्षा करें। भैरव बोले, हे प्राणों से प्रिय भैरवी, मंत्र स्वरूप जनमंगल नामक कवच के रहस्य का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, अतः तुम अत्यंत सावधान चित्त से इसे सुनो। छंदो अनुष्टुप देवता च कालिका दक्षिणेरिता जगतां मोहने दुष्ट विजय भुक्ति मुक्तिषु योषिदाकर्षणे च विनियोगः प्रकीर्तितः शिरो मे कालिका पातु क्रींकार एकाक्षरी परा क्रीं 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 मे ललाटं च कालिका खड्गधारिणी हूं हूं पातु नेत्रयुगम ह्रीं ह्रीं पातु श्रुतिमं दक्षिणे कालिका पातु ग्राणयुग्मं महेश्वरी क्रीं 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 रसनां पातु हूं हूं पातु कपोलकं वदनं सकलं पातु ह्रीं ह्रीं स्वाहा स्वरूपिणी द्वाविंशत्य अक्षरी स्कंदौ महाविद्या सुखप्रदा द्वाविंशत्यक्षरी स्कंदौ महाविद्या सुखप्रदा खड्गमुण्डधरा काली सर्वांगं भितो अवतु क्रीं ह्रूं ह्रीं त्र्यक्षरी पातु चामुण्डा हृदये मम ऐं हूं ओं ऐं स्तन्द्वन्द्वं ह्रीं फट् स्वाहा ककुत स्थलम अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकर्तका अष्टाक्षरी महाविद्या भुजौ पातु सकर्तका क्रीं क्रीं हूं हूं ह्रीं क्रीं कारी पातु षडक्षरी मम क्रीं नाभि मध्यदेशं च दक्षिणे कालिका अवतु क्रीं स्वाहा पातु पुष्टं च कालिका सा दशाक्षरी क्रीं मे गुह्यं सदा पातु कालिकायै नमस्ततः सप्ताक्षरी महाविद्या सर्वतंत्रेषु गोपिता ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके हूं हूं पातु कटिद्वयम् काली दशाक्षरी विद्या स्वाहा मामूरु युग्मकम् ओम क्रीं क्रीं मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी सदा ओम क्रीं क्रीं मे स्वाहा पातु कालिका जानुनी सदा काली हिरण नाम विद्येयम् चतुर्वर्ग फल प्रदा क्रीं ब्रीं ब्रीं पातु सागुल्फम दक्षिणे कालिका अवतु क्रीं ब्रूं ब्रीं स्वाहा पदम पातु चतुर्दशाक्षरी मम खंगमुण्डधरा काली वरदा भयधारिणी खंगमुण्डधरा काली वरदा भयधारिणी विद्याविसकला विसा सर्वांगं भितो अवतु काली कपालिनी कुल्ला कुरकुल्ला विरोधिनी विप्रचित्ता तथोग्रोग्र प्रभा दीप्ता घनत्विषा नीला घना बलाका च मात्रा मुद्रा मिता च माम एता सर्वा खड्गधरा मुंडमाला विभूषणा रक्षन्तु विदक्षु माम ब्राह्मी नारायणी तथा माहेश्वरी च चामुंडा कौमारी च अपराजिता वाराही नारसिंहा वाराही नारसिंही च सर्वाश्या अमित भूषणा वाराही नारसिंही च सर्वाश्या अमित भूषणा रक्षन्तु स्वायु वृद्धैर्दिक्षु विदिक्षु माम यथा तथा रक्षन्तु
रक्षन्तु स्वायुर्धैर् दिक्षुक् विदुक्षु माम यथा तथा इति ते कत्तम दिव्यम कवचम परमाद्भुतम्। रक्षन्तु स्वायुधैर् दिक्षु विदिक्षु माम यथा तथा इति ते कथितम दिव्यम कवचम परमाद्भुतम्। ये कवच था जनमंगल कवच माँ महाकाली का, अब इसकी फलश्रुति का वर्णन कर रहे हैं। श्री जनमंगलम नाम महाविद्योग विग्रहम त्रैलोक्याकर्षणम ब्रह्मन कवचम मनमुखोदितम गुरु पूजाम विदायाथ विधिवत प्रपठे ततः कवचम तिस्कृत वा अपि यावज्जीवम च वा पुनः एतच्छा मार्दमावृत्य त्रैलोक्य विजयी भवेत त्रैलोक्यम शोभयत्येव कवचस्य प्रसादतः। महाकविर्वेन्मासम सर्वसिद्धीश्वरो भवेत। महाकविर्वेन्मासम सर्वसिद्धीश्वरो भवेत। और पुष्पांजलि कालिकाए मूले नैवा अर्पयेत सकृत शतवर्ष सहस्त्राणाम पूजाया फलमाप्नुयात। शतवस्त्र सहस्त्राणाम पूजाया फलमाप्नुयात। भुर्जे विलिखितम चेतत सवर्णस्थम धारियेद यदि विशाखायाम दक्षवाहो कंठे वा धारियेद यदि त्रैलोक्य मोहयेत क्रोधात त्रैलोक्यम चूर्णयेत क्षणात। सपुत्रवान धनवान श्रीमान नाना विद्या निधिर भवेत। ब्रह्मास्त्रादीन शस्त्राणि तदगात्र स्पर्शनात्ततः नाशमायाति या नारी वंध्या वा मृत पुत्रिणी वैवपत्या जीवतो का भवित्येय न संशय न देयं परशिष्येभ्यो वक्तेभ्यो विशेषतः शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो व्यान्यथा मृत्युमाप्नुयात। स्पर्धा मुद्दय कमला वागदेवी मंदिरे सुखे पौत्रांतम स्थैर्यमास्थाय निवसत्येव निश्चितम् इदम् कवचम् ज्ञात्वा यो भजेद् गोर्दक्षिणाम् शतलक्षम् प्रयत्वा अपि तस्य विद्या न सिद्ध्यति। सहस्त्रघातमाप्नोति सोऽचिरान् मृत्युमाप्नुयात्। क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम ओम ओम दक्षिणे कालिके। क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम ओम ओम स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इस कवच का पाठ करने से या सुनने से साधक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है तथा इस कवच के प्रभाव से तीनों लोकों को वो शोभित कर देता है। एक मास तक इसका पाठ करने से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं एवं साधक महाकवि बन जाता है। मूल मंत्र द्वारा कालिका को एक बार पुष्पांजलि प्रदत्त करने से 100 एवं 1000 वर्ष पर्यंत पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि इस कवच को भोजपत्र पर लिखकर स्वर्ण में मढ़वाकर विशाखा नक्षत्र में दाई भुजा या गले में धारण करने से साधक तीनों लोकों को मोहित कर लेता है और क्रोधित होने पर उसी क्षण तीनों लोकों को नष्ट कर देता है। तो ये माँ काली के जो भक्त होते हैं या माँ काली की जो साधना करते हैं, इसमें जनमंगल कवच में यह उल्लेख आता है कि अगर उसको क्रोध आ जाए तो फिर तीनों लोगों को उसको नष्ट करने की क्षमता रहती है। उसका क्रोध फिर किसी को बचने तक का मौका नहीं देता, नष्ट कर देता है। तो यहाँ तीनों लोगों को नष्ट कर देता उल्लेख आया है। जो साधक इस कवच को धारण करता है वह पुत्रयुक्त धनयुक्त एवं श्रीमान और अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है।
उस साधक के शरीर स्पर्श मात्र से अत्यंत भयंकर और अमोघ ब्रह्मास्त्रादि सभी शस्त्र नष्ट हो जाते हैं, सभी आदि व्याधि नष्ट हो जाती हैं, सारे भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी और ब्रह्म राक्षस सब भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने वाली बांझ स्त्री या मरे हुए पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री भी बहुत से पुत्रों को जन्म देती है। इस कवच को अपने दीक्षित शिष्य के अतिरिक्त, यानी आपने जिस शिष्य को दीक्षा दी है उसके अलावा अन्य किसी के शिष्यों को, यानी किसी अन्य गुरु के शिष्यों को, तथा विशेष रूप से श्रद्धा भक्तिहीन नास्तिक शिष्य को इसे प्रदान नहीं करना चाहिए, अर्थात श्रद्धा भक्ति से युक्त शिष्य को ही इसे प्रदत्त किया जाना चाहिए जिसे आपने दीक्षा दी हो, क्योंकि इसके विपरीत आचरण से साधक की मृत्यु हो सकती है। अतः विशेष निवेदन यह है कि इस कवच का आप स्वयं उच्चारण न करें, स्वयं इसको बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु की दीक्षा के गुरु से ही इसे ग्रहण करें, गुरु से ही इसे प्राप्त करें, गुरु से ही इसका साधना करें। लक्ष्मी सरस्वती आपस में द्वेष रखने पर भी इस कवच को धारण करने से स्पर्धा को छोड़कर 3 पीढ़ी तक स्थिर और निसंदेह रूप से साधक के पास स्थिर भाव से निवास करती हैं। इस कवच का संपूर्ण ज्ञान न रखने वाला साधक घोर दक्षिण काली का प्रयोग करता है तो उस साधक को 1 करोड़ बार काली का मंत्र जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती और हजारों बार चोट चपेट लगने से वह कष्ट प्राप्त करता है और अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये काली कवच धारण करना बहुत ज़रूरी है। उसके उपरांत में तप काली साधनाएँ करना चाहिए या काली के किसी मंत्र की साधना करना चाहिए। तो यह स्पष्ट वर्णन है शास्त्र का। ओम जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देन मेंशन द केस टाइप ऑफ द केस। Now we'll try to register a regular criminal case. Again, if that case is filed by an organization, you have to click the organizational detail checkbox. If not, uncheck it. Now, let's try to file a case which is filed by the state government of Maharashtra. So, we'll check the advocate from the Dropbox. As soon as the name of the advocate is selected, his bar registration number will appear. You can mention extra petitioner count if any, then mention the mobile number of the complainant. Now here you have to fill the detail of accused. If the case is against an organization, check the organizational detail checkbox. Here we'll try to register a case again an individual person. Enter the name of the person. Mention his gender, his age, extra accused if any, his mobile number if known. His email ID if available. Then mention that whether this case is a police challan or a private case. If it's filed by police charge sheet, then it's a police challan. Mention the police station code name. Mention the date of offense and date of filing charge sheet. Then mention the type of FIR. First, second or third, whatever. Then mention the FIR number. Here also the Hyde party name is available. If for sake of some reasons the name of the party is to be hidden, the Hyde party name checkbox should be checked.
date of filing is by default the current date. If you want to change it, you have to check the change filing name date. If it's checked, then you have to mention the reason for changing the date. You can mention the prayer, the remarks of the offense, if any. You have to mention the act. If you want to add more acts, it could be added from this more acts option. Once all the fields are properly filled, press the submit button. If all the details are correctly filled, this addition successful message would be popped in green color. It will mention the filing number of the criminal case filed and the CNR. Below it is print acknowledgement link. If you click this link, an acknowledgement would be generated, which could be given to the party mentioning CRR number, filing number, date of filing, name of the complainant, his advocate, name of the accused, and name of police station and FIR number. Likewise, a criminal case can be filed in a court. Thank you. जाए ते गोने में पोते नी को मिल गाओ हीरो उंडा जेब में पैसा एक को नहीं कैसे चले हीरो उंडा जब जेब में पैसा आओ खूब चलो हीरो उंडा तू बजे गो तुल्लम तुल्ला को काटे मेरो मुंडा द्वारे पे जब समझी बैठो घरे तक रहो है मुंडा 1.5 लाख सादी मिले ले हो डेढ़ लाख सादी में ले लाए मोड़ी वाले कह रहे ठाड़े कटू तो मिट गए सोखसान में कुछ दहेज ने ले डारे राम बाबू की बस करवा ले घर की जीप करी न्यारी गांव के पुरखा पैदल भागे बरात पहुंची लालोरी डूंगरपुर के भैया बोले डूंगरपुर के भैया बोले कायरा दे कैसे ठाड़े कछू तो मिट गए सोखसान में कुछ दए दिने ले डारे कछू जलेबी कछू पकौड़ी कारो भूरो रसगुल्ला भीतर से वे भैया निकले दादा ने घटगा रसगुल्ला ठाड़े मिर्च पकौड़ी डारे हाँ 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 थाने में चिप कोड़ी डारी अम्मा तुमने मारा रे कछू तो मिट गए सोखसान में कुछ गए दिने ले डारे दस की गुजिया दस के पापड़ गौर और बनाओ करम कल्ला कछू मंगोरा कछू पकौड़ी और बनाओ करम कल्ला दो से जो ने सदी बराई सदी बरात मोड़ी वालों रूबे थाड़े कछु तो मिट गए सोखसान में कुछ गए जिने ले डारे और शीतला मैया की जय गोविंद भगवान की।